इस सिलसिले में उन्होंने अपने चंद दोस्तों को दावत दी है कि वो उन खिदमात के हवाले से आज आपसे खताब करेंगे। तो मैं आज की तकरीब के लिए सबसे पहले जनाब ज़ुबैर राणा साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और नशिस्त संभालें। जनाब ज़ुबैर राणा रोज़नामा जंग से मुतल्लिक हैं। इनके बाद मैं जनाब असर चौहान साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो तशरीफ लाएं। जनाब असर चौहान, इसके साथ ही मैं जनाब असर जावेद साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो तशरीफ लाएं। इनके साथ ही जनाब हैदर जावेद सैयद साहब से दरख्वास्त है कि वो तशरीफ लाएं। तकरीब का बकायदा आगाज किया जाता है। मैं जनाब फारूक अली अवान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तलावत कलाम पाक के लिए तशरीफ लाएं। जनाब फारूक
अली अबान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العظيم। कि आज की तकरीब के मेज़बान जनाब जय सालक हैं। जय सालक साहब ने एक तवील जदोजहद के साथ अपने सहाफ़ी दोस्तों के साथ मिलकर एक बहुत तवील जदोजहद आमरियत के ख़िलाफ़ की और उन तमाम कुव्वतों के ख़िलाफ़ की जिसके आप सब शाहिद हैं। आज की ये तकरीब उन्होंने अपने उन दोस्तों के साथ मिलकर गुजारने के लिए मुनक्कद की है। तो मैं आज की तकरीब के मेज़बान जनाब जय सालक साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और आपसे खिताब फरमाएं। जनाब जय सालक, मैं अपने तमाम साफ़ी भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने यहाँ बहुत शॉर्ट वक्त में यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। मैं समझता हूँ कि आज क्योंकि दो जगह पर इफ्तार पार्टी है और साफ़ियों के एजाज़ में ही है और क्यूम निज़ामी साहब के, हमीद निज़ामी साहब के भी यहाँ हैं और अपना एक और हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं उनके यहाँ भी है। तो मैं समझता हूँ कि इसके बावजूद भी हमारे जितने भी जर्नलिस्ट दोस्त यहाँ पहुँचे हैं, काफ़ी दोस्तों का इंतज़ार भी है। निसार आसमानी साहब ने भी वादा किया था, खुदावंद ने चाहा तो इंशाल्लाह वो भी पहुँचेंगे। उसके अलावा हमारे और बहुत से दोस्तों का इंतज़ार है। तो फिर भी उसके बावजूद भी जितने भी दोस्त यहाँ पहुँचे हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत दोस्त ज़्यादा दोस्त हैं कि जो हमारे काज और मकसद को आगे लेकर चल सकते हैं। तो सबसे पहले मेरी ख्वाहिश ये थी कि जितने दोस्तों ने इससे पहले हमारे लिए जमहूरी दौर में जितनी भी स्ट्रगल उन्होंने की इंसानी हकूक पर और इस्तकाम पाकिस्तान के लिए और उसके अलावा हमारे ये जितने भी हमारे ह्यूमन राइट के मामलात में जिन उन्होंने स्ट्रगल की, बल्कि मैं समझता हूँ कि हमने जहाँ तक कोशिश करनी थी वो तो लोगों के सामने थी, लेकिन इन सहाफ़ी दोस्तों ने उस वक़्त मार्शल लॉ के दौर में, आज मैं अपना यहाँ पर हमारे जलाल साहब हैं, फोटोग्राफ़र हैं, मुझे याद है कि आज से तकरीबन 77 में जलाल साहब रावी रोड पर जब वो मार्शल लॉ के दौर में वहाँ मुझे कवर करने के लिए आए तो उन्हें उस वक़्त उन पर लाठी चार्ज भी हुई, बल्कि उनसे कैमरा भी छीन लिया गया और उनकी साइकिल भी जो थी वो काफ़ी दूर पतनी यानी अपना फेंकी गई। तो उस वक़्त जब जलाल साहब मिले थे तो मैंने कहा था जलाल साहब कोई वक्त ऐसा आएगा कि आप जो आज खिदमत कर रहे हैं उसका सिला यानी इस इंसानी हकूक पर हम सबको मिलेगा और मैं उस वक़्त आपको एक गिफ्ट उस वक़्त दूंगा जो साइकिल होगा। तो उस वक़्त वो हंसे और कहने लगे सालिक साहब से साइकिल ही आप देंगे? मैंने कहा साइकिल इसलिए दूंगा कि हम अपने उस वक्त को याद रखेंगे जो हमने उस वक्त मार्शल लॉ के दौर में जमहूरियत की बहाली के लिए गरीब कारकुनों ने जो वर्क किया। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त बहुत से कार्य वाले भी लोग थे, बड़े बड़े यानी अपना बड़े बड़े अच्छे सरमायादार लोग भी थे, लेकिन गरीबों ने जो काम यानी कर दिखाया शायद वो सरमायादार काम ना कर दिखाते। और उस वक्त सरमायादारों ने मार्शल लॉ की फेवर की और जमहूरियत की मुखालफत की। और आपको पता है कि उन्हीं दौर में मार्शल लॉ के दौर में जब सहाफ़ियों पर कोड़े बरस रहे थे, सबसे पहले मुझे याद है कि सहाफ़ियों का एक जुलूस मसावात अखबार के सामने से निकला था और मैं फ़ख्र उस वक़्त महसूस कर रहा था कि मैं सहाफ़ियों के उस जुलूस में शरीक था और मुझ पर भी वो जो कि दूसरे सहाफ़ियों पर जैसे हम कहते हैं कि यानी लाठी चार्ज हुई, तो उस वक़्त मुझे भी मेरी खुशकिस्मती है कि दो जो मुझे भी अपना लाठियाँ पड़ी, मैं फ़ख्र महसूस करता कि मैं सहाफ़ियों के काज में उस वक्त शरीक था।
फिर न्यूज़ के सिलसिले में भी आपने देखा कि न्यूज़ पर जब बगावत का केस बना, तो आज मेरी ये ख्वाहिश थी कि अगर मैं लाहौर में अगर एज ए फेडरल मिनिस्टर यहाँ पर अपना यहाँ हूँ, तो मैं अपने अगर सहाफ़ी दोस्तों को अपनी खुशियों में, खुशियों से मुराद ये है कि अपने काज में, और काज क्या है, वो काज वही काज है कि जिसके लिए हम फाइट कर रहे हैं, तो क्या मिनिस्टर बनने के बाद हम अपने काज में, मतलब है कि यानी क्या जो हमारा मेन यानी अचीव करना था गोल, क्या हमने वो अचीव कर लिया है गोल? मैं समझता नहीं। कई दफ़ा दोस्त कहते हैं कि जी अब आपके सवाल का यानी मिनिस्ट्री आपका सवाल का बायस बनेगी, मैंने कहा यही तो हमारी अरूज का बायस बनेगी, क्योंकि अभी तो हमने सियासत का आगाज़ किया है। मिनिस्ट्री मीन्स अब यानी हमें हमारी तमाम पोलिटिकल जो एक्टिविटीज़ हैं उसे एक्नॉलेज किया गया है, उसे तस्लीम किया गया है, और मैं समझता हूँ कि जे सालक का जिंदा दलाने शहर लाहौर में कामयाब होना, मैं समझता हूँ उन सहाफ़ियों के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है जो इंसानी हकूक के लिए फाइट करते आए हैं, और इंशाल्लाह। और अब मेरी ख्वाहिश ये थी कि जो मिनिस्ट्री मुझे दी गई है, उस मिनिस्ट्री में पहले तो मैं यानी जिस दिन मुझे फर्स्ट टाइम मिनिस्ट्री का मुझे शाम को इलम में आई कि ये मिनिस्ट्री बहबूदे आबादी है, तो मैं यकीन जाने कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि बहबूदे आबादी मिनिस्ट्री क्या है। हम सारा यानी सारी ज़िंदगी 17 साल हमने युगंडा के लिए, फलपाइन के लिए, बर्मा के लिए और दुनिया में ह्यूमन राइट के लिए लड़े, तो ये बहबूदे आबादी दरमियान में बीच में से कहाँ आ गई? तो बहरहाल जब मैंने उस पर गौर किया कि ये जो हमने यानी बहबूदे आबादी तो बहुत बड़ा हमारा काज है, यानी जिसका यानी गरीब के लिए, जिस हकूक के लिए, गरीबों के हकूक के लिए हम फाइट कर रहे हैं, अगर उन यानी उन बच्चों को हम यानी उन माँ बाप को हकीकत की तरफ नहीं दिखा सकें। कल भी मैंने ये बात कसूर में कही कि सरमायेदार की ख्वाहिश है कि सरमायेदार चाहता है कि गरीब के ज्यादा से ज्यादा बच्चे हों, इसलिए कि कमजोर होंगे, मफलूज होंगे, मजबूर होंगे, माजूर होंगे, और मजबूर और माजूर बच्चे जो है वो सरमायेदार को सस्ती लेबर प्रोवाइड कर सकते हैं, और अगर वही यानी गरीब के यानी कम बच्चे होंगे, मजबूत बच्चे होंगे, डॉक्टर होंगे, कानूनदान होंगे, सहाफ़ी होंगे, फेडरल मिनिस्टर होंगे, तो सरमायेदार के यानी वो यानी उसके इरादे जो हैं वो यानी उनके यानी इरादों पर उन्हें पूरा उतरने नहीं देंगे, जो कि वो उनकी चाल है ह्यूमन राइट पामाल करने की। तो मैं ख़ासतौर पर तमाम अपने सहाफ़ी भाइयों का आज इस मौके पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपनी मेहनतों से और कोशिशों से जहाँ तक जे साले को आपने फेडरल मिनिस्टर बनाया। मैं आपके सामने अहद करना चाहता हूँ कि आपने इंसानी हकूक के लिए जो भी जिम्मेदारियाँ मुझे दी हैं, मैं इस बात का खुदा को हाजिर नाजिर जानकर अहद करता हूँ कि मैं आपकी उस मिशन को, जो मिशन जुबैर राना साहब ने, जो मिशन असर चौहान साहब ने और तमाम साथियों ने जो मिशन जारी रखी है, इस बात पर मैं अहद करता हूँ कि जे सालक आपके उस काज को लेकर चलेगा, और इंशाल्लाह आप जे सालक को आप कहीं भी अपने से अलग नहीं पाएंगे। जहां पर सहाफी दोस्तों की कहीं मुश्किल या प्रॉब्लम का मसला आया, जे सालक को आप अपने हमरा पाएंगे। मिनिस्ट्री जे सालक के लिए नहीं बल्कि उन दोस्तों के लिए ये मिनिस्ट्री है, उन दोस्तों का सर फख्र से बुलंद हुआ है कि जिन्होंने जे सालक के लिए 77 से कोशिशें की, मेहनतें की, और आज जे सालक इस मुकाम पर है। खुदामंद ने चाहा, जो मिनिस्ट्री हमें दी गई है, अगर हमें एक साल का मौका मिला, अगर एक साल का आपने वक्त हमें दिया, क्योंकि ये सब काम जो है वो आपके थ्रू होगा। अभी हमारा सबसे मेरा मेन मसला जो है वो अवेयरनेस का है। अब अवेयरनेस जो है वो किस तरीके से, यानी जे सालक पूरे पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं दे सकता, पूरे पाकिस्तान में एक आवाज़ जो है वो पूरे पाकिस्तान में नहीं पहुंचा सकता। उसके लिए मैंने सोचा था कि आज अपने उन दोस्तों को इकट्ठा करता हूं जिन्होंने जे सालक को यहां तक पहुंचाया। अब मैं आपके सामने अपनी इस मुश्किल को आपके सामने रखना चाहता हूं, लेकिन इसके साथ साथ 2-3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन, यानी मैं आपको 3-4 पॉइंट्स बता देता हूँ कि अगर मेरे बारे में कहीं से भी ये कोई न्यूज़ किसी एजेंसी से आए तो मेरी न्यूज़ नहीं होगी। अगर कहीं भी इंसानी हकूक के अगेंस्ट किसी तरफ से किसी एजेंसी से भी आए तो ये समझे कि वो जे सालक के और आपके दरमियान साजिश कर रहा है। जे सालक इंसानी हकूक के खिलाफ कभी भी स्टेटमेंट नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता।
दूसरा इस्तकामे पाकिस्तान। इस्तकामे पाकिस्तान के खिलाफ, नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ जे सालक किसी किस्म की स्टेटमेंट नहीं दे सकता। ये इस वक्त सरमायेदार की ये चाल है कि जे सालक को किसी कीमत पर भी डैमेज किया जाए, ताकि आइंदा जो गरीब जो यानी मिनिस्ट्रियों पर यानी अपना छा रहे हैं या असेंबलियों में आ रहे हैं, इनके रास्ते बंद करने का बेटर वे ये है कि जे सालक को नाकाम किया जाए। मेरी ख्वाहिश यह है कि आप मेरी मदद कीजिए, रहनमाई कीजिए, और मुझे अगर आप ये समझे कि जे सालक आपके कास पर यानी अपना काम नहीं कर रहा, तो आप मुझे इसी फ्लैटी होटल में यानी 200 सहाफ़ी, इस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल में 150 होंगे, 200 सहाफ़ी जिस दिन भी आप इकट्ठे कर लें, चाहे वो किसी भी ग्रुप से ताल्लक रखते हो, और 200 सहाफ़ी यहाँ पर मुश्तरका करारदाद पेश कर दें, जे सालक 200 सहाफ़ियों की करारदाद से अपना मिनिस्ट्री छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन 200 सहाफी जो है वो कम से कम सारे अखबार से ताल्लक रखने वाले प्रेस रिपोर्टर और अपना न्यूज रिपोर्टर हों। लिहाजा इसके साथ ही मैं आपसे ये भी एक गुजारिश करना चाहता हूं, एक गुजारिश करना चाहता हूं कि आप खास तौर पर हमारी इस मिनिस्ट्री में जिस तरह यानी वर्क इससे पहले हुआ है, आप समझते हैं कि 25 साल में वो काम नहीं हो पाया, तो मेरी ख्वाहिश ये है कि उसके लिए आप मेरी मदद कीजिए, और एक साल में हम वो काम कर दिखाना चाहते हैं कि जो 25 साल में नहीं कर पाए। मेरी इसके साथ ही तमाम साफियों के से गुजारिश है कि आइंदा मेरे बारे में कभी भी किसी किस्म की गलत रिपोर्टिंग अगर किसी ह्यूमन राइट या किसी फिरका वारियत के खिलाफ अगर कोई स्टेटमेंट आए, तो मुझसे ज़रूर कन्फर्म कर लीजिए मैं फिरका वारियत के खिलाफ हूँ। हम यानी इंसानी हकूक के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते, इस्तकामे पाकिस्तान के खिलाफ नहीं दे सकते, और नज़रिया पाकिस्तान के खिलाफ नहीं दे सकते। यही मेरे आज के चार पॉइंट थे, क्योंकि किसी भी एजेंसी से कोई भी खबर किसी भी अंदाज से आ सकती है। और ख़ास तौर पर मैं आपसे ये भी बता दूँ, यानी अपना मौजूदा हुकूमत की थोड़ी सी मैं मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा के बारे में बता दूं कि जे सालक पीपल्स पार्टी को ज़हनी तौर पर इसलिए कबूल करता है कि पीपल्स पार्टी ने मार्शल ला दौर में सर नहीं चुकाया था। लिहाजा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को अगर जे सालक ज़हनी तौर पर लाइक करता है, तो इसलिए लाइक करता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने मार्शल ला के सामने सर नहीं झुकाया। लिहाजा हम मोहतरमा बेनज़ीर को अपना बहन समझते हैं, अपने साथी समझते हैं, इसलिए कि उन्होंने जमहूरी दौर में यानी अपना गरीबों की कास की हमायत की है। और जब तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी गरीबों के हकूक की कच्ची वादियों को और दीगर यानी ह्यूमन राइट की बात करती रहेगी, जे सालक और जे सालक की औलाद की कुर्बानी जो है हर वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उन तरक्की पसंद जमातों के साथ होगी जो इस मुल्क में इस्तकामे पाकिस्तान और ह्यूमन राइट के लिए काम करना चाहते हैं। शुक्रिया। इंसानी हकूक के हवाले से बात की और गरीब के हवाले से बात की है। मैं गरीब उम्मीदवार सदाती बन के आपके पास गया था, आपने मुझे किस खूबसूरत तरीके से झटका दिया था, आपने मेरा साथ नहीं दिया था। तो मेरे सामने जो आपने बात की है, ये हमारे जी ये हमारे नासब नहीं है जी। तो ये आप ऐसे साफी हैं तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दे सकते हैं। और जहां तक तल्लक है कि आपको मैंने वोट नहीं दिया, तो जनाबे जी मेरी अपनी मेरा अपनी जमीर की आवाज है, किसी को मैं प्रपोज करूं या ना करूं, यानी ये मेरे अपनी जमीर की आवाज है। लेकिन मुझे बाई फोर्स मुझे आप यानी गरीब अगर गरीब किसी मकासद में, मैं समझता हूं कि अगर गरीब किसी मुझे गरीब को ब्लैकमेल कर सकता है, मैंने इनसे कहा था कि आप एक वोट और लेकर आए, आप मेरे वोट को डैमेज करना चाहते हैं। आप जे सालक को मैं आप अर्ज कर दूं, यानी आपने बाइकॉट किया इलेक्शन का, एमपी इलेक्शन का आपने बाइकॉट किया एज ए लीडर। हमने इलेक्शन लड़ा, हम उन लोगों के वोट लेकर आए हैं, पूरे पाकिस्तान से चारों सूबों से हम इलेक्शन के वोट लेकर आए हैं। आप बाइकॉट करने वालों में से थे, बताएं मैं बाइकॉट करने वाले को अपने प्रपोजल कर देता हूं, मैं नहीं कर सकता था। लिहाजा वो हमारे दोस्त हैं, तो
तो बहरहाल अब ये अब मैं जनाब फारूक अली आवान शुक्रिया जी। आज की तकरीब के मेज़बान जनाब मोहतरम जय सालिक साहब, वफाकी वज़ीर प्राय बहबूद आबादी, जनाब ज़ुबैर राना साहब, असद चौहान साहब, जवेद सैयद साहब, डोगर साहब, अजहर जावेद साहब और दीगर हमारे जर्नलिस्ट भाई और बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। मैं जनाब जय सालिक साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने आज की ये जो महफिल है ये सजाई है इस हवाले से कि उन सहाफ़ियों को खराज तहसीन ये पेश करें जिन्होंने मार्शल ला के दौर में और आमरीत के दौर में अपना परचम जो है वो सरबुलंद रखा और आमरीत के ख़िलाफ़ वो लिखते भी रहे और इसके साथ साथ जो जलसे जुलूस होते रहे उनमें कोड़े भी उन्होंने खाए और जुल्म तशद्दुद भी बर्दाश्त किया और ये शमा जो उन्होंने रोशन की जिस तरह उन्होंने जलाल साहब का वाक़या सुनाया कि किस तरह फोटोग्राफर के ऊपर लाठियां बरसाएंगे उनका कैमरा छीन लिया गया और इन्होंने उनसे वादा किया कि आपका जो है एक दिन आएगा कि एक दिन गरीब की जो है वो हुकूमत बनेगी और मैं समझता हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को ये बात का इस बात का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने वाकई गरीब को नुमाइंदगी दी है और ना सिर्फ सूबाई सतह पे बल्कि वफाकी सतह पे उन्होंने जय सालिक का इंतखाब किया और उन्हें एक मिनिस्ट्री जो है बहुत अहम मिनिस्ट्री जिस तरह उन्होंने बताया कि वफाकी वज़ीर बराए बहबूद आबादी बनाया और हम भी तवक्को रखते हैं कि जय सालिक ने जो बातें यहाँ आके स्टेज पे की हैं वो इस पर पूरा उतरेंगे और जो इंसानी हकूक़ की जिन्होंने बात की है इंसानी हकूक़ की खातिर वो आइंदा भी लड़ते रहेंगे और पहले ही की तरह पूरे जज्बे के साथ अपनी मिनिस्ट्री से भी इफा करेंगे और इंसानी हकूक़ के हवाले से गरीबों की आवाज़ बनकर भी उभरेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब फारूक अली आवान आपसे मुखातिब थे। अब मैं जनाब आसिम गिलानी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। जनाब आसिम गिलानी हफ्तरोज़ा निज़ाम नौ के एडिटर हैं। जनाब आसिम गिलानी نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعده قال الله تعالى قولوا قولا سديدا میرے قابل احترام سینئر صحافی بھائیوں اور شعبہ صحافت سے تعلق رکھنے والے نو آموز دوستو آج کی یہ تقریب جے سالک صاحب نے جو آپ کے اعزاز میں منعقد کی ہے وہ اس بات کا اعتراف ہے کہ جے سالک صاحب کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے آپ کا حصہ ہے اس وقت آج سے 20 سال پہلے آپ چلے جائیں کچا راوی روڈ پر جہاں جے سالک صاحب کا گھر تھا انہوں نے سب سے پہلی جو ہڑتال کروائی حقوق انسانی کے لیے وہ یہ تھی کہ لاہور کے خاکروبوں کا تحفظ نہیں تھا تو جے سالک صاحب نے مسلسل 20 دن بھوک ہڑتال کی اور اس وقت انہوں نے ایک ہی بات منوائی کہ غریب کا کبھی بھی حق جو ہے وہ مسلط وہ اب ختم نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینا جے سالک کا عزم ہے میرے محترم دوست اسد چوہان صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے ایک بڑا اچھا ان پہ اداریہ کالم لکھا کہ جے سالک صاحب وہاں جوتے چھوڑ آئے یہ کتنی بڑی بات تھی کہ جے سالک کے اندر یہ جرت یہ جذبہ یہ راست کوئی کی بات
इसलिए पैदा हुई कि उन्होंने आज तक अपने जाति मफाद के लिए कोई काम नहीं किया, जब भी किया अपनी कौम के लिए किया और अपने मुल्क मिल्लत के लिए किया। मैंने जय सालक साहब को कराची में उस खेमे में भी देखा, मैंने जय सालक साहब को टाट के लिबास में देखा, मैंने जय सालक साहब को लाहौर से, फैसलाबाद से, हैदराबाद से पैदल कराची का सफर करते हुए देखा। मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तान के इंसान पर, पाकिस्तान के बाशिंदे पर, पाकिस्तान के मुसलमान पर, चाहे वो ईसाई है या कोई सी किस्म का है, किसी किस्म का तशद्दुद या किसी किस्म की ज्यादती ना होने पाए। तो मेरे दोस्तों, आज का ये जो एहतमाम किया गया है, ये सिर्फ एतराफ़े हकीकत के लिए है कि सहाफ़ियों ने रास्तगोई से काम लिया और ऐसे एक आदमी के लिए लिखा जो इस बात का इस्तेकाक रखता था कि वो अपनी और पूरे कौम की नुमाइंदगी कर सके। इस वक्त जय सालक साहब मसीहों के नुमाइंदा नहीं, बल्कि वो पूरे पाकिस्तान की एक ऐसी वजारत के नुमाइंदा है जो सबसे बड़ी वजारत है और जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की इक्तिसादियात से है। अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे और हमारा हर किस्म का अब भी तावन उनके साथ है, दिन रात जिस वक्त चाहें इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अखबार नवीस जय सालक साहब आपके साथ हैं। आखिरी दावा ख़वातीनों हज़रात, रोज़ा खुलने में सिर्फ 20 मिनट बाकी हैं, तो मैं उन हज़रात से माफ़ी का खास्तगार हूँ जिन्होंने चिटें भिजवाई हैं, लेकिन मैं बाकी मुकर्रीन से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो नहायत ही कम मुद्दत में इजहार ख्याल करें ताकि हम वक्त पर अपनी तकरीब ख़त्म कर सकें। तो अब मैं जनाब हैदर जावेद सैयद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। जनाब हैदर जावेद सैयद का ताल्लुक रोजनामा मशरिक से है। जनाब हैदर जावेद सैयद, रात मोहतरम, आज की महफिल सालिक साहब ने अपने उन सहाफ़ी दोस्तों के लिए सजाई है जिनके बारे में उनका कहना है कि इंसानी हकूक की तवील जदोजहद के दौरान इन सहाफ़ी दोस्तों ने मेरा साथ दिया और अपने दावतनामे के आखिर में सालिक साहब ने लिखा है कि आपका रोशन किया हुआ जय सालिक। हजरात, सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में एक तवील अरसे तक रियासती जबर, इस्तेसाल, सरमायादारी और जागीरदारी ने आम आदमी का इस्तेसाल किया। तबकाती तजाद जितना इस माशरे में गहरा है, उस हवाले से अगर सहाफ़ी दोस्तों ने आवाम के अक्सरियत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स को उसकी जदोजहद के हवाले से सपोर्ट किया है तो हम ये समझते हैं कि वो एहसान नहीं है बल्कि अक्सरियत का वो हक है जिससे वो अब तक महरूम है। और न जाने अक्सरियत अपने उस हक, बुनियादी हक से कब तक महरूम रहेगी। बहरहाल, जय सालक साहब का इसलिए शुक्रिया कि वज़ीर बनने के बाद भी उन्होंने इस हकीकत को तस्लीम किया कि ये जो रोशन है इसे सहाफ़ियों ने रोशन किया है। हम दुआगो हैं कि खुदा जय सालक को मज़ीद तरक्कियां दे और अपने दोस्तों से मोहब्बत करने की मज़ीद तौफीक दे, वो भी खुश रहें और उनके दोस्त भी खुश रहें। बहुत शुक्रिया जनाब हैदर जावेद सैयद साहब। अब मैं हामद रियाज डोगर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं। जनाब हामद रियाज डोगर, सेक्रेटरी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम मुकर्रम, बुजुर्ग साफ़ी दोस्तों और मेरे नौजवान साथियों और हाज़रीन इकराम, मैं यहाँ ना तो स्टेज पर बैठने के लिए हाज़िर हुआ था और ना ही कहीं मेरे वहम गुमान में ये बात थी कि मुझे यहाँ कुछ कहना पड़ेगा। बहरहाल, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जय सालक साहब हमेशा से अपने अव्वल दिन से मुनफरद स्टाइल के मालिक रहे हैं, चुनाचे उन्होंने यहाँ भी अपना एक मुनफरद स्टाइल अपनाया है
और एक नई चीज आपके सामने ला के पेश करती है। मैं उनको बहुत ममनून हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम भी यहाँ कुछ बातें उनकी इस तकरीब में मुलाकात में अर्ज करें। वक्त बहुत कम है और रोज़े की इफ्तारी भी बहुत करीब है। मैं सिर्फ मुख्तसरन यही अर्ज करूँगा पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी की हैसियत से कि अखबार में इस दोस्तों ने जिस तरह माजी में हक और सच का साथ दिया है, इंशाअल्लाह वो आइंदा भी सच की शमा को रोशन करते रहेंगे और अल्लाह ताला ने जो हुक्म उनके लिए नाजर फरमाया है। और मैं तो ये समझता हूँ कि सहाफत अगर कोई नेक नीति से करे तो बिला शुबा एक इबादत है, और इसीलिए मैं तो अल्लाह का शुक्र है कि शोबे को जो अपनाया है तो सोच समझ के एक इबादत समझ के अपनाया है। और मैं मुख्तसरन जय सालक साहब को यकीन दिलाता हूँ कि अल्लाह ताला का जो हुक्म है कि तावानु अलल बिर्रे वत तक्वा वला तावानु अलल इस्मे वल उद्वान, कि नेकी और भलाई का काम जो भी जय सालक की तरफ से सरजद होगा हम इंशाअल्लाह उनके साथ होंगे, उनके कंधा से कंधा मिला के चलेंगे और उनकी पैरवी करेंगे। उनके सिपाही की हैसियत से लड़ने में हमें कोई बात नहीं होगी, लेकिन अगर कहीं उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाने की कोशिश की तो जिस तरह ये साफी दोस्त माजी के हुक्मरानों के रास्ते में दीवार बनते चले आए हैं, तो आज जय सालक ये ना समझे कि उनके ये दोस्त हैं और ये उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे। साफी उसके रास्ते में भी इंशाअल्लाह जय सालक उनका दोस्त हो सकता है, लेकिन जहां वो गलत कार्य करेगा, गलत काम करेगा, बदउनवानी करेगा, तो हम इंशाअल्लाह सबसे पहले आगे बढ़ के उसका दामन पकड़े और उसके गरेबान में हाथ डालेंगे। एक बात जो जाते जाते मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जो शोभा उन्हें सौंपा गया बहबूद आबादी का बहुत अच्छा शोभा है, अल्लाह ताला उन्हें तौफीक दे किस मुल्क की आबादी के लिए, किसकी बहबूद के लिए कुछ कर सकें, लेकिन उनके शोभे की तरफ से, उनके महकमे की तरफ से जो इश्तहार टीवी पे दिखाए जाते हैं, यकीन जानिए मुझे वो देख के शर्म आती है। अगर वो कुछ कर सकें उसकी बेहतरी के लिए, कोई अच्छा इश्तहार अपने काज को आगे फैलाने के लिए कोई अच्छा इश्तहार अगर दिखा सकें तो मैं उनको ममनून हूँ। शुक्रिया। हामद रियाज डोगर आपसे मुखातिब थे। आज की तकरीब खालिस्तन सहाफ़ी हजरात पर मुश्तमिल है और इसमें ज़्यादा अक्सरियत हमारे सहाफ़ी दोस्तों की है, तो आज की इस तकरीब से ख़ताब करने के लिए मैं अब जनाब असर चौहान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। जनाब असर चौहान, जनाब ये सालक साहब, मेरे साफ़ी भाइयों और दोस्तों और मोज़ ख़वातीन हज़रात, जय सालक साहब से गुज़श्ता 15-16 साल से मुतारफ़ हूँ। इस मजलिस के से सेक्रेटरी कमल फरोज़ मेरे बचपन के दोस्त हैं, इनकी वसादत से मेरा इनसे तारफ़ हुआ। इन्होंने जय सालक साहब ने एक समाजी कारकुन की हैसियत से, एक सियासी कारकुन की हैसियत से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। यहाँ जो लिखा हुआ है कि साफ़ी मुआशरे का तबीब है, मेरा ख़्याल है साफ़ी मुआशरे का तबीब नहीं है, बल्कि वो साफ़ी मुआशरे का फ़ोटोग्राफ़र है, अक्कास है, मुसव्वर है। मुआशरे में जो कुछ होता है साफ़ी उसे रकम करता है, लिखता है, ज़ब्ते तहरीर में लाता है। मैं और मेरे दूसरे दोस्त जो यहाँ मौजूद हैं, हिंदुस्तान में निहत्ते भारतीय मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद हुआ, उनका कत्लेआम हुआ, तो जय सालक हमारी हुकूमत ने भी उस पर एहतजाज किया और बहुत से लोगों ने एहतजाज किया, लेकिन जय सालक का एहतजाज का जो तरीका था ये कुछ मुख्तलिफ था। जय सालक ने उस एहतजाज का इजहार करते हुए, मुजाहरा करते हुए 11 साल तक टाट के कपड़े पहने, और ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक अकीदे के लिहाज से क्रिश्चियन है, ईसाई है, और हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए उनके कत्लेआम पर वो तड़प उठता है और बतौर एहतजाज वो टाट के कपड़े 11 साल तक पहनता है
और ये कोई मामूली बात नहीं है। दूसरी बात जो मैंने देखी कि जय सालक मुसलसल तीसरी बार कौमी असम्बली का रुकन मुंतखब हुआ। कौमी असम्बली में मैंने जय सालक की तकरीरें सुनी हैं, जज्बाती तकरीरें थी, रोने वाली और रुला देने वाली। बाज़ औक़ात साबिक स्पीकर उन्हें डांट डपट भी करते थे, चुप कराने की कोशिश करते थे, लेकिन जय सालक जब तक अपनी बात मुकम्मल नहीं कर लेते थे खामोश नहीं रहते थे। मैं उस इजलास में मौजूद था जब जय सालक ने निशानदेही की कि जनाब स्पीकर ये जो असम्बली है ये बार बार इसलिए टूटती है कि जब पाकिस्तान बना और इस असम्बली का पहला इजलास हुआ तो असम्बली के इजलास की कार्रवाई का आगाज़ तलावत कुरान पाक से नहीं हुआ था। ये एक ईसाई की आवाज़ थी। हमारे बहुत से उलमाए कराम उस असम्बली के मेंबर थे, हमारे बहुत से तहरीक पाकिस्तान के मेंबरान, उनके बेटे, उनकी औलाद मौजूद है। निशानदेही की जय सालक ने कि इस असम्बली को पाक करने के लिए आप तलावत कुरान पाक खसूसी तौर पर कराएं ताकि तलावत कुरान पाक की बरकत से आइंदा ये असम्बलियाँ ना टूटें। तो स्पीकर गौहर अयूब खान ने मौलाना अब्दुस्तार खान नियाज़ी जो उस वक्त मेंबर थे असम्बली के उनसे दरख्वास्त की और मौलाना अब्दुस्तार खान नियाज़ी ने तलावत कुरान पाक की पिछली तारीखों में खसूसी तौर पर जैसे हम बुज़ुर्गों को सवाब पहुँचाने के लिए तलावत कुरान पाक करते हैं तो उसके बाद जय सालक ने वो टाट का लिबास पहनना तर्क किया। तो इस तरह से असम्बली में जय सालक ने ना सिर्फ असम्बली में बल्कि आम चौराहों पर गलियों में मोहल्लों में गरीब आदमी के लिए आवाज़ बुलंद की। इसी शहर में जय सालक गरीबों के लिए, गरीबों के हकूक़ की सरबुलंदी के लिए स्लीब पर लटका। वाइन साहब वज़ीर आला थे, पुलिस ने इनका मार मार कर हुलिया बिगाड़ दिया, लहू लुहान कर दिया। आज भी जब जय सालक यहाँ एंटर हुए, दाखिल हुए, तो मैं इनसे कह रहा था कि अब भी पुलिस की गाड़ी इनके पीछे थी। मैंने कहा ये पुलिस आपका पीछा नहीं छोड़ती, जब आप वज़ीर होते हैं फिर भी पुलिस आपके पीछे, जब आप वज़ीर नहीं होते आम आदमी होते हैं फिर भी आपके पीछे। फ़र्क ये है उस वक्त पुलिस आपको मारती थी, अब पुलिस आपको सलूट करती है। पुलिस के मार खाने से लेकर सलूट लेने तक जय सालक की जद्दोजहद जो है वो एक जद्दोजहद की दास्तान है। हमने देखा होगा हमारे यहाँ कई लीडर इस्लाम के दावेदार हैं, सोशलिज्म के दावेदार हैं, लेकिन अक्सर लोग ना तो उन्होंने अपनी ज़ात पर अपने घर पर इस्लाम नाफिज़ किया और ना उन्होंने अपनी ज़ात पर अपने घर पर सोशलिज्म नाफिज़ किया। उनका मुतालबा ये होता है कि आप हमें हुकूमत दे दें हम सब कुछ नाफिज़ कर देंगे। काजी हुसैन अहमद साहब ने भी कहा और भी बेशुमार हमारे लीडर हैं पहले हमें हुकूमत दो फिर हम। आपने देखा होगा ये मामूली कारकुन जब वो बड़ा कारकुन बनता है, पजैरो आ जाती है, प्लाट आ जाते हैं, जय सालक गरीब आदमी है, मैंने इसे पैदल चलते देखा है, स्कूटर पे देखा है, रिक्शे पे देखा है, टैक्सी पे, अब ये सरकारी गाड़ी में है, इसके पास अपना कोई घर नहीं है। तो जब तक इस्लाम का दावेदार इस्लाम और सोशलिज्म का दावेदार सोशलिज्म अपनी ज़ात पर नाफिज ना करे, अपने घर पर नाफिज ना करे, उस वक्त तक यहाँ किसी नाम से भी इनकलाब नहीं आ सकता। जय सालक ने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं, यानी गरीबों के वोट हासिल किए हैं। इत्तफाक ये है कि यहाँ चूँकि जुदागाना इंतखाब है तो ज़ाहिर है क्रिश्चियन ईसाई लोग ही इसे वोट देंगे, ये एक अलग मसला है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी काबीना में जय सालक साहब को भी शामिल किया है, जहाँ बहुत से जागीरदार, सरमायादार, सनतकार और दूसरे लोग वहाँ बैठते हैं असम्बली में और काबीना में
तो वहाँ जे सालक का बैठना भी मैं समझता हूँ गरीबों के लिए एक अच्छी इलामत है, एक खुशबख्ती है। तो इससे जे सालक को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ सुरखाब के पर नहीं लगे, सुरखाब के पर लगे होते तो जे सालक यहाँ बैठा होता और मैं वहाँ बैठा होता। तो इससे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का इमेज सही हुआ है, अच्छा हुआ है, उनकी पार्टी का इमेज बनेगा। इसी तरह के बहुत से जे सालक अगर इसी तरह काबीना में शामिल होते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि जब गरीबों के मसाइल हल होना भी शुरू हो जाएंगे। जहाँ तक जे सालक की वजारत का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम वजारत है और जे सालक इत्तेफाक से एक ऐसा वजीर है जिसका एक ही बेटा है। तो इसके लिए पिछले हमने देखा है कि जो पहले वजीर थे उनके कई बच्चे थे और उन पे वो दो बच्चे खुशहाल कराना या वो उन पे इतलाक नहीं होता था। तो मसला बच्चों का नहीं है, मसला ये है कि आपके जो मसाइल हैं मुल्क के, वो उन मसाइल को आप खर्च कैसे करते हैं, आपकी तरजीहात क्या है। जब आप एक ख़ास तबका, एक ख़ास ग्रोह मुल्क के 75% वसाइल पे कब्जा कर लेता है और बाकी गरीबों के लिए छोड़ देता है तो गरीबों के लिए कुछ नहीं बचता। तो चाइना की मिसाल हमारे सामने है कि 1.25 अरब, 1 अरब और 25 करोड़ लोग वहाँ के बाशिंदे हैं, हर आदमी को काम करने के मौके मिलते हैं, रोटी भी मिलती है। प्लानिंग इस तरह से की जाए कि हर आदमी तक तरक्की के समरात पहुँचे। इत्तेफाक से इन्हें अच्छी मिनिस्ट्री मिल गई है, काम करने का जज्बा इन्हें मौजूद है, इनकी टीम भी अच्छी है। महबूब अहमद साहब हैं, सेक्टी हैं, सैयद अनवर महमूद हैं और कई दोस्त हैं जिनके अंदर काम करने का जज्बा है और ये अपने काम को समझते हैं। ये जे सालक साहब की खुशकिस्मती है कि इन्हें टीम अच्छी मिल गई है। सवाल ये है कि जब तक ये इस टीम से काम लेने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, कोई लायामल तैयार नहीं करेंगे, उस वक्त तक कोई रिज़ल्ट अच्छा नहीं निकलेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जे सालक एक जुनूनी आदमी है, एक पागल किस्म का आदमी है, जिसके काम के पीछे पड़ जाए उस काम को तकबील तक पहुंचाने का इसमें सलाहियत मौजूद है। तो मेरा ख्याल ये है कि अब रोज़ा भी करीब आ गया खुले के और दोस्तों को तो बातें तो बहुत सी हैं, वो अगली किसी नशिस्त में सही। बहरहाल मैं जे सालक साहब के लिए दुआ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी सलाहियतों को मुल्क और कौम के लिए वक्फ कर दें। शुक्रिया जनाब असर चौहान साहब। ख़वातीन हज़रात, वक्त बहुत कलील रह गया है और हमारे पास दो मुकर्रर हैं। अब मैं जनाब ज़ुबैर राणा साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। जनाब ज़ुबैर राणा। ख़वातीन हज़रात, पहली बात तो यह है कि हमें नहीं पता था कि जब हम यहाँ आएंगे तो हमें इस स्टेज पे बिठा दिया जाएगा और कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। रोज़े का वक्त है और लोग, मेरा ख्याल है सारे दोस्त तकरीरें सुनने यहाँ नहीं आए। बहुत से सहाफ़ी हजरात, बड़े मोतबिर, बड़े दानश्वर हजरात जो माशाल्लाह के ख़िलाफ़ लड़ते रहे, जेलें काटते रहे, वो यहाँ नहीं हैं और शायद सालक साहब को उनके घरों में जाके उनका शुक्रिया अदा करना पड़े या किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आए हों। मेरा मसला ये था कि जब मैं यहाँ आया तो लिखा था सहाफ़ी माशरे का तबीब, तो मैंने कहा यार अगर मेरे मुंह से निकल गया सहाफ़ी माशरे का मरीज़ तो सारे सहाफ़ी नाराज़ हो गए, क्योंकि यहाँ पूरा माशरा ही बीमार है, सहाफ़ी पता नहीं कैसे तबीब हो गया। मेरी समझ में ये बात नहीं आई। जे सालक साहब भी एक तवील जदोजहद का नाम है और उनके जीत जाने में कमाल ये है कि बहुत ही गरीब तबके के क्रिश्चियन भाइयों के उनको वोट मिलते हैं। अगर अमीरों की कोठियों से वोट लेना पड़ता उन्हें तो मेरा ख्याल है वो बाजारों के गैर मेंबर ही ना बन सकते असम्बली के, वहाँ कोई चक्कर और चलता है। तो इस वक्त मसला है कि जे सालक एक मिशन के हवाले से सहाफ़ियों के साथ मोहब्बत का इज़हार करने के लिए ऐसे फंक्शन बुलाए हैं तो हम भी उनके साथ मोहब्बत करेंगे, पहले भी करते रहे हैं। मोहब्बत एक मिशन, एक स्ट्रगल का नाम है। लोग कहते हैं यहाँ पे नज़रियात ख़त्म हो गए हैं और अब तो बगैर नज़रियात के पॉलिटिक्स हो गई, तो मैं उसका मतलब ये निकालता हूँ कि पाकिस्तान के सारे जो मजदूर और गरीब थे वो सरमायादार हो गए और सारे सरमायादार भूखे मर रहे हैं, इसलिए नज़रियात ख़त्म हो गए। अगर इस किस्म की सूरत हाल है तो इसका मतलब यह है कि गरीबों का और सहाफ़ियों का और लिखने पढ़ने वालों का और जे सालक जैसे हुए लोगों के दुख बढ़ गए हैं, कम नहीं हुए।
और ये पता नहीं कि आपकी हुकूमत वाले ये हजारों और पाकते ढूंढेंगे या दुख हल करेंगे। इस वक्त रोजे का वक्त हो रहा है, इमीडिएट मसला यही है कि रोज़ा अफ्तार करें हमारे भाई और जय सालक के साथ दोस्ती का जो अगला मिशन है वो चाय की प्याली पे शायद हो जाए या उससे बाद भी होता रहे मुसलसल। तो मैं सालक साहब का भी आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ कि ये एक तकरीब इन्होंने मुकर्रर की और आइंदा भी ऐसी होती रहेंगी। ज़ुबैर राना साहब नहायत नवाजिश। अब मैं इस तकरीब के आखिरी मुकर्रर जनाब अज़हर जावेद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं। जनाब अज़हर जावेद अज़हर जावेद साहब को रोज़नामा अमरोज़ से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया था कि उन्होंने दीगर साथियों के साथ कि उन्होंने जमहूरियत के ऐलान नामे पर दस्तखत किए थे। तीनों हजरात आपका शुक्रिया। बहुत कम वक्त, बातें बहुत करना थी और खसूसियत से जय सालक साहब की जो हम पे मेहरबानियां हैं, माशरे पे मेहरबानियां उनके हवाले से और उनके महकमे के हवाले से भी कुछ बातें करना थी, लेकिन वो तो खैर बाहर रही। बार बार यहाँ एक जिक्र आया कि माशरे का तबीब, तो मेरा ख्याल है कि ये कताबत की गलती हो गई है, चूँकि हमारे यहाँ अक्सर होती है ये माशरे का तैयब लिखना चाहते थे, क्योंकि सहाफ़ी जो हैं वो उस हवाले से ज़्यादा नेक हैं जिस हवाले से उन्हें पहचाना जाता है। और अगर ये भी कताबत की गलती आपको कबूल नहीं है तो आप सहाफ़ी के ऊपर दो नुक्ते डाल लीजिए, सहाफ़ती माशरे का तबीब वो जय सालक साहब हैं, उनका नाम नीचे लिखा हुआ है। तो असल में मुझे पिछले दिनों जय सालक साहब के बहुत दिनों से हमारे एक दोस्त हैं मुस्तफ़ा कुरैशी, वो इन्हें जय सालक के हवाले से जद्दोजहद सालक कहते हैं। तो बात तो यही वाकई है कि इनकी जद्दोजहद बहुत तवील, हम पे बहुत इनका कर्ज़ है, वो किसी वक्त हम फिर चुकाएंगे। लेकिन इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया कि मैं जब मर जाऊँ तो मेरी आँखें और मेरा दिल किसी गरीब को दे दिया जाए। तो आँखों का मामला मुझे नहीं पता ये कंटेक्ट लेंस लगाते हैं या उसके बगैर ही हैं, क्योंकि उससे काफ़ी आंखें बदलने का मौका मिलता है, लेकिन दिल का मेरी अगर गुजारिश ये है अगर डॉक्टर इसको तिब्बी तौर पे तस्लीम करते हों तो उस दिल के कोई कम से कम 1000 टुकड़े करके बांट दिए जाएँ गरीबों में, ताकि 1000 जय सालक पैदा हो और इस माशरे में इस किस्म के जद्दोजहद करने वाले लोग, और मैं तो पता नहीं उस वक्त तक जिंदा रहूं या ना रहूं, जो नई नस्ल है उसके लिए फैज साहब का वो शेर जय सालक के हवाले से, बला से हमने ना देखा तो और देखेंगे, वतन में गुलशन सो तो हजार का मौसम। जनाब अज़हर जावेद ने नहायत मुख्तसर वक्त में नहायत शगुफ्ता अंदाज से आपसे मुखातिब हुए। अब मैं आखिर में इस तकरीब के मेज़बान जनाब जय सालक से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं। जनाब जय सालक, मैं टाइम क्योंकि सिर्फ 2 मिनट रह गए हमारे जलाल साहब को, ये मैं जो साइकिल दे रहा हूँ ये मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं दे रहा, ये मैं अपने हवाले से दे रहा हूँ। तो मैं जलाल साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ लाएँ और अपना फादर नदीम साहब जो है वो हमारे जलाल साहब को अपना ये सवारी पेश करें, उनकी उन खिदमात के इतराफ़ में जो उन्होंने मार्शल ला के दौर में साइकिल पर सियासी कारकुनों को कवर किया, सियासी कारकुनों को कवर करने पर और एक सेकंड पर फलस्तीन पर जो यानी कल इसराइल की तरफ से जो जुल्म की यानी अपने जुल्म के पहाड़ ढाए गए हैं, इसकी हम मजम्मत करने के लिए सहाफ़ी सिर्फ हाथ खड़ा करें, ये सिर्फ देख लें ताकि सहाफ़ी यानी पता चल जाए तमाम दोस्तों को कि सहाफ़ी जय सालक के साथ ही बल्कि जय सालक सहाफ़ियों के साथ है। और Thank you.